नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में। दरअसल में NCERF के लिए हाल ही में ड्राफ्टिंग करी गई है 11 मेंबर कमेटी के द्वारा, और इसे लीड किया है NCVET, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, चेयरपर्सन निर्मलजीत सिंह कलसी जी ने। और इसमें NCERF को दरअसल में एक अलग तरीके से यूज़ किया जा रहा है एजुकेशन के लिए। NCERF ने डिवाइड कर दिया है एजुकेशन सिस्टम को मल्टीपल लेवल्स में, और इसमें क्रेडिट पॉइंट्स का कैलकुलेशन किया जाएगा एट द एंड। जो टोटल क्रेडिट पॉइंट्स होंगे वह NCERF का जो लेवल है उसे जब मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्रेडिट जो अर्न किया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, टोटल क्रेडिट पॉइंट्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा। स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें एटलीस्ट 40 क्रेडिट अर्न करने होंगे ईयरली स्कूल एजुकेशन के लिए, और अराउंड 1200 आवर्स नेशनल लर्निंग आवर्स प्रदान करने होंगे। नेशनल लर्निंग आवर्स में दरअसल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, ये भी शामिल किए जा सकते हैं। एक्चुअली में इसे लाने का मकसद यह है कि अलग अलग जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स होते हैं उनमें अलग अलग सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते थे, अलग अलग तरीके से प्रोसीजर्स होते थे, और इससे आगे चल के हायर एजुकेशन में और इवन गवर्नमेंट जॉब्स में भी इशूज़ आते थे स्टूडेंट्स को। इसीलिए यह आइडिया लाया गया है। इससे पूरा स्कूल एजुकेशन सिस्टम एक क्रेडिट सर्कम्फेरेंस के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट के अंतर्गत डिग्री और क्रेडिट्स को स्टोर करके रखा जा सकेगा। वीडियो अच्छी लगी तो मैसेज जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद।